हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नए वीडियो हर रोज मिलते रहे। हाय फ्रेंड्स, आई एम प्रवीण बोडके और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। सो इन लास्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द सीरीज एंड वी डिस्कस द सम बेसिक आइडियाज अबाउट द सीरीज एंड वी आल्सो टेक सम एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल हाउ टू चेक द सीरीज फॉर इज कॉन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑक्सीलेटरी। लेकिन हर बार जो हमारा बेसिक आइडियाज है, मतलब उसकी लिमिट निकालो एन टेंस टू इन्फिनिटी, वो अगर फाइनाइट आती है तो कॉन्वर्जेंट होगा, फाइनाइट नहीं आती है तो डाइवर्जेंट होगा, और अगर फाइनाइट आती है लेकिन यूनिक नहीं है तो ऑक्सीलेटरी होगा। तो इससे तो हम चेक कर सकते हैं सीरीज के बारे में, लेकिन हर बार इस मेथड से हम हर कोई सीरीज हम चेक नहीं कर सकते। इसीलिए सीरीज चेक करने के लिए देर आर द सम डिफरेंट टेस्ट टू टेस्ट द सीरीज वेदर इट इज कॉन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। सो टूडे वील डिस्कस टू टेस्ट टू चेक द सीरीज, द नेचर ऑफ द सीरीज दैट इज कॉन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। सो पहली टेस्ट है पी सीरीज टेस्ट। एक्चुअली ये सीरीज हम सिर्फ याद करेंगे, यूज करेंगे कंपेरिजन टेस्ट में, इसीलिए हमने यहाँ पे पी सीरीज का एक थोड़ा इंट्रोडक्शन दे लिया कि पी सीरीज मतलब होती क्या है। So first is P series. So the P series is of the form 1 upon 1 raised to the power P, 1 upon 2 raised to the power P plus 1 upon 3 raised to the power P. मतलब generally, in general, आप ऐसे याद रख सकते कि 1 upon n raised to the power P. 1 upon n raised to the power P अगर कोई सीरीज है, so that series is called the P series. अभी convergence और divergence के बारे में क्या होगा? तो अगर ये P greater than 1 है, then the series is said to be convergent. और अगर ये लेस देन आर इक्वल टू वन है देन द सीरीज इज सेड टू बी डाइवर्जेंट। ठीक है, पी की वैल्यू अगर एक से ज्यादा है तो सीरीज क्या होगी? कॉन्वर्जेंट। और अगर एक है या एक से कम है तो सीरीज क्या होगी? डाइवर्जेंट। अभी इसका यूज कंपैरिजन टेस्ट में होगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि कंपैरिजन टेस्ट में जो हम एक सीरीज कंसिडर करेंगे वो हमेशा पी सीरीज ही रहेंगी। और अगर आपको ये मालूम नहीं है कि कॉन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कब होगी, तब आप कंपेरिजन टेस्ट का एग्जाम्पल सॉल्व नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट सीरीज इज कंपैरिजन टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट इज कंपैरिजन टेस्ट। तो कंपैरिजन टेस्ट नाम से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि दो सीरीज को हमको कंपेयर करना है। सो इफ टू पॉजिटिव टर्म्स समेशन ऑफ यू एन समेशन ऑफ वी एन बी सच दैट लिमिट ऑफ यू एन अपॉन वी एन एन टेंस टू इन्फिनिटी इक्वल टू के। की मतलब वो आएगा एक फाइनाइट नंबर। आपके पास अगर दो सीरीज है और अगर आपने दो सीरीज का रेशियो लिया और उसका लिमिट लिया एन टेंस टू इन्फिनिटी, और इसका आंसर अगर कुछ फाइनाइट नंबर आता है, सपोज वी टेक के, देन द बोथ सीरीज इज कॉन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस टूगेदर। मतलब अगर यूएन कॉन्वर्जेंट है तो वीएन भी कॉन्वर्जेंट होगा, या वीएन कॉन्वर्जेंट है तो यूएन भी कॉन्वर्जेंट होगा। तो एक कॉन्वर्जेंट तो दूसरी भी कॉन्वर्जेंट होगी, एक डाइवर्जेंट तो दूसरी भी क्या होगी? डाइवर्जेंट होगी। मतलब बोथ सीरीज कॉन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस टूगेदर। Some example based upon the comparison test. The first example is test the series summation of n equal to 1 to infinity 1 upon n plus 10 for convergence or divergence. हमको चेक क्या करना है कि ये सीरीज कॉन्वर्जेंट होगी या सीरीज डाइवर्जेंट होगी। सो हमने जो सीरीज है हमारे पास है वो कंसिडर की हमने, लेट यू एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एन प्लस 10। अगर अभी पहली बात आपके ध्यान में ये आएंगी कि मुझे कंपैरिजन टेस्ट कब यूज करना है, क्योंकि टेस्ट तो बहुत सारे हैं, चार पांच टेस्ट है हमारे पास, तो उसमें से मैं कैसे ढूंढूंगा कि मुझे इस प्रॉब्लम के लिए कंपैरिजन टेस्ट की यूज करनी है। तो उसके लिए एक मेथड है कि आप वो चेक कर सकते हैं कि इसको कंपैरिजन टेस्ट लगाए या नहीं लगाए। आपको सिर्फ क्या करना है कि अगर आपके पास यूएन जो गिवन है उसके नीचे की टर्म में एन बाकी रहेगा लेकिन ऊपर एन बाकी नहीं रहेगा, या सिंपली आप ये ध्यान में रखो कि अगर न्यूमरेटर की डिग्री एन की डिनोमेटर की डिग्री से अगर कम होगी, मतलब ऊपर जो टर्म रहेगी वहां पे जो एन का पावर रहेगा वो नीचे जो एन की टर्म रहेगी उसके पावर से अगर कम है, तो उस प्रॉब्लम में आप कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हैं। तो यहां पर आप चेक करो
यहाँ पे एन का पावर कितना है 1, और ऊपर एन की टर्म नहीं है, मतलब एन का पावर कितना है 0, तो ये यहां से कम है, तो यहाँ पे हम कंपेरिजन टेस्ट लगा सकते हैं। अभी कंपेरिजन टेस्ट में हमेशा पी सीरीज आपको इंट्रोड्यूस करना है, और पी सीरीज कैसे इंट्रोड्यूस करना है, तो जो आपके ओरिजिनल सीरीज में एन का पावर रहेगा वही पावर आपको पी सीरीज में लेना है। तो हम दूसरी सीरीज डायरेक्ट कंसिडर करेंगे, एन का पावर कौन है 1 ही है, तो 1 अपॉन, और पी सीरीज का नेचर क्या रहता है 1 अपॉन एन रेस टू द पावर पी, पी इज एनीथिंग, तो एन का पावर 1 है तो एन का पावर हम 1 ही लेंगे। सो वी कंसिडर वी एन इक्वल टू 1/n। नाउ मेथड के हिसाब से हम जाएंगे, लिमिट ऑफ यू एन अपॉन वी एन एन टेंस टू इन्फिनिटी निकालना है हमको, तो हमने यहाँ पे यू एन और वी एन के वैल्यू पुट कर दी। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं डिनोमीटर के डिनोमीटर है तो न्यूमरेटर में चला जाएगा। नाउ फ्रॉम एन, यहां से हम एन कॉमन निकालेंगे, तो एन कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 10/n। नाउ एन टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0 एंड एन एन कैंसल, तो वी गेट 1 एंड 1 इज अ फाइनाइट नंबर। और आपको कंपेरिजन टेस्ट में क्या बोला था कि अगर वो रेशियो फाइनाइट आता है, इसका मीनिंग क्या होगा, दोनों सीरीज एक तो कन्वर्जेंट रहेगी या दोनों सीरीज डाइवर्जेंट रहेगी। सो बाय कंपेरिजन टेस्ट बोथ सीरीज कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टूगेदर। तो हमको कौन सी सीरीज चेक करना है, जो हमने कंसिडर की है वीएन, तो हम वीएन के नेचर के बारे में देखेंगे। तो वीएन की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन एन रेस टू द पावर पी, हमारी पी सीरीज रहती, तो यहाँ पर पी की वैल्यू कितनी है 1, और पी अगर ग्रेटर देन 1 है तो ही सीरीज क्या होगी, ये कॉन्वर्जेंट होगी, तो यहाँ तो पी इक्वल टू 1 है तो सीरीज क्या होगी डाइवर्जेंस। सो डाइवर्जेंस बाय पी सीरीज, अगर ये डाइवर्जेंस है तो यूएन भी क्या होगा डाइवर्जेंट होगा। सो देयरफॉर समेशन ऑफ यूएन इज इक्वल टू 1 अपॉन n+10 इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। आप कंपेरिजन केस में ध्यान में रखना कि अगर कॉन्वर्जेंट होगी तो दोनों सीरीज कॉन्वर्जेंट होगी, और डाइवर्जेंस होगी तो क्या होगी, दोनों सीरीज डाइवर्जेंट होगी। तो हमारे पास जो हम पी सीरीज से दूसरी सीरीज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सब उस पर डिपेंड होगा, वो अगर कॉन्वर्जेंट होगी तो गिवन सीरीज भी कॉन्वर्जेंट रहेगी, वो अगर डाइवर्जेंट रहेंगी तो गिवन सीरीज भी डाइवर्जेंट रहेगी। लेकिन पी सीरीज कब लेना है, ऐसे लेना है यूएन में जो एन का पावर रहेगा वही पावर पी सीरीज में एन का रहेगा, वो ध्यान में रखना है आपको। एक एक थोड़ा सिंपल एग्जाम्पल था तो मैंने इसका डायरेक्ट सोल्यूशन आपको दे दिया, एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम ले लिया और उसको मैं सॉल्व करके दूंगा यहाँ पर आपको कि कैसे सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज टेस्ट द फॉलोइंग सीरीज फॉर कॉन्वर्जेंस एंड द सीरीज इज गिवन बाय समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 to infinity अंडर रूट ऑफ 3n क्यूब रूट ऑफ 3n² + 1 अपॉन 4√4n³ + 2n+7। तो यहाँ पे ये सीरीज को हमको चेक करना है कि ये कॉन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम ये सीरीज को कंसीडर करेंगे। सो लेट un, सो un इज गिवन बाय 3n² + 1 क्यूब रूट अपॉन 4n³ + 2n+7, इसका रहेगा हमारा 4th root। अभी हम इसको सॉल्व करके देखेंगे मेरे, सो विच इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3n² + 1 रेस टू द पावर 1/3 एंड दिस कैन बी रिटन एज 4n³ + 2n+7 रेस टू द पावर 4th root means 1/4, which is equal to, यहां से हम n² और 3 दोनों कॉमन निकाल सकते हैं, तो अगर मैंने यहां से 3n² कॉमन ले लिया तो मुझे मिलेगा 3n² का पावर 1/3, और यहां पर रिमेनिंग टर्म कौन से रहेंगे, 3n² में 1 बचेगा और यहां पर बचेगा 1 अपॉन 3n² पावर, तो वही है 1/3, और यहाँ पे पावर 1/3 कहां से आ गया, क्योंकि ये पूरे ब्रैकेट का पावर है तो ये बाहर निकलने के बाद भी इसका पावर आएगा अपॉन। यहाँ पे हाईएस्ट टर्म कौन सी है, 4n³, ये भी हम कॉमन निकालेंगे, 4n³ इसका पावर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पर तो 2n ऑलरेडी है तो 2n इसमें से बाहर निकल गया, लेकिन बचा हुआ जो टर्म है वो कैसे रहेंगे, यहाँ पे तो 2n आएगा और अपॉन में क्या आएगा 4n³, यहां पर भी 7 आएगा, यहां पर भी क्या आएगा 4n³ रेस टू द पावर 1/4। इसको सॉल्व करके देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आप तो यहां पर बचेगा आपको 3 रेस टू द पावर 1/3
यहां पर बचेगा 4^1/4, और यहां पर ऊपर n का पावर मिलेगा हमको 2/3, और नीचे n का पावर मिलेगा 3/4, और ये टर्म ऊपर रहेंगे 1+1/3n²^1/3, और नीचे रहेगा 1+, यहां से 2n 2n कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2n², और यहां पर 7/4n³^1/4, ये वैल्यू हमको मिल गई। अभी हम n n को अगर कंबाइन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? अगर इस n n को मैं कंबाइन करता हूं, n और n की जो वैल्यूज है, तो हमको मिलेगा 3^1/3, 4^1/4। अभी यहाँ पे n का जो पावर है वो है 2/3, और यहाँ पे n का पावर क्या है? 3/4। तो यहां से ग्रेटर टर्म कौन सी है? 3/4 ग्रेटर है, इसलिए हम ऊपर की टर्म नीचे लाएंगे। तो ऊपर की टर्म अगर नीचे आ गई तो n का पावर बनेगा आपका 3/4 - 2/3 नीचे आने के बाद, और यहाँ पर रहेगा 1+1/3n² / 1/2 + 1/2n² + 7/4n³^1/4। ये टर्म हमको मिल गई। अभी ये टर्म मिलने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, तो वी गेट 3^4 / 1/4 / 4^1/4 / n^3/4 - 2/3, 9 - 8 मतलब ये हो जाएगा 1/12, और ये टर्म रहेगी एज इट इज 1+1/3n² / 1/3 / 1+1/2n² + 7/4n³^1/4। अब इसके बाद एक्चुअली हमको कंपैरिजन टेस्ट अगर लगाना है, और फिर n की लिमिट हमको n→∞ लेनी पड़ेगी, तो अगर n→∞ लेंगे आप तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ये भी 1/∞ 0 हो जाएगा, ये भी 1/∞ 0 हो जाएगा, ये भी 1/∞ 0 हो जाएगा, टर्म बचेगी सिर्फ ये। तो इस टर्म में सिर्फ प्रॉब्लम होगा, और अब आप इसको ध्यान में से देखेंगे तो ये तो n^p है, मतलब ये तो p सीरीज है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, लेट वी कंसिडर वी एन विच इज इक्वल टू 1/n^1/12। तो हमको एक vn कंसीडर करना था, तो हमने वो कंसीडर कर ली। तो अभी हमें को क्या निकालना है, लिमिट ऑफ un/vn n→∞ विच इज इक्वल टू लिमिट ऑफ n→∞। un की वैल्यू हमारे पास ये है ऊपर जो गिवन है, और ये vn है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये यहां से n^12 और यहाँ का n^12 तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 3^1/4 / 4^1/3 / 4^1/4, और यहाँ पे बचेगा 1+1/3n² / 1+1/2n² + 7/4n³^1/4, और लिमिट अगर n→∞ रखेंगे हम तो ये मिलेगा हमको 3^1/3 / 4^1/4, 1+1/∞ 0, 1+1/∞ 0, 1/∞ is again 0, तो 1 का कोई भी पावर लेगा तो आंसर तो 1 ही आएगा, तो आपका आंसर मिलेगा 3^1/4 / 1/3 / 4^1/4। तो ये तो फाइनाइट नंबर है, विच इज इक्वल टू फाइनाइट नंबर। तो ये अगर फाइनाइट नंबर है तो हमको क्या होगा, क्या बोल सकते हैं हम, देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट बोथ सीरीज कॉन्वर्जेस और डाइवर्जेस टूगेदर। कंपैरिजन टेस्ट से क्या होगा कि दोनों सीरीज एक तो कन्वर्जेंट रहेगी या दोनों सीरीज क्या रहेंगे, डाइवर्जेंट रहेगी।
तो हमारे पास जो vn है उसको हम चेक करेंगे अभी, बट vn कितना है, 1 अपॉन n रेस्ट टू द पावर 1/12। अभी हमारी p सीरीज कौन सी रहती है, 1 अपॉन n रेस्ट टू द पावर p, तो यहाँ पे p की वैल्यू कितनी हो गई, 1/12। अभी 1/12 तो 1 से लेस है, देयरफॉर डाइवर्जेस बाय p सीरीज, क्योंकि p कितना है 1/12 और वो लेस है 1 से, सो देयरफॉर क्या होगा, समेशन ऑफ un इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। तो हमको मिल गई जो गिवन सीरीज है वो क्या है, डाइवर्जेंट है। एक बार थोड़ा समराइज कर लेते हैं कि इस प्रॉब्लम में हमने क्या किया। इस प्रॉब्लम में हमने क्या किया था कि हमने पहले जो हमारे पास जो गिवन सीरीज थी, ये हमारी गिवन सीरीज है, हमने पहले डिसाइड क्यों किया कि यहाँ पे कंपेरिजन टेस्ट लगाना है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ना तो यहाँ पे एन का पावर देखो कॉमन निकालने के बाद आपको मिला एन स्क्वायर है और यहाँ पे पावर कितना है 3 है, तो एन इसका एन का पावर कितना होगा यहाँ पे 2/3 और यहाँ पे एन का पावर कितना है 3/4 बराबर है। एन के बाहर आने के बाद क्या हो गया 3/4 और ये हो गया 2/3। नीचे का पावर 3/4 ऊपर का पावर से क्या ग्रेटर है, और मैंने आपको पहले ही कहा है कि जब भी आप कंपैरिजन टेस्ट के बारे में सोचो तब आपको सोचना है कि जो ऊपर की टर्म मतलब न्यूमरेटर की टर्म है उसका पावर डिनोमिनेटर के पावर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो यहाँ पे वो सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंपैरिजन टेस्ट यूज करेंगे। लेकिन उसकी उसके लिए सभी एन को हम क्या करना है, कम्बाइन करना है, तो इसीलिए हमने ये पूरा सॉल्व करने के बाद एन को सिर्फ एक टर्म में रिड्यूस कर दिया, तो आपको यहाँ पे एन की एक ही टर्म मिल गई जो यहाँ पे निकला था हमने 1/12। और अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा, ये तो फाइनाइट नंबर है, ये 1/∞ जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया, मतलब ये भी क्वांटिटी का आंसर आएगा, प्रॉब्लम आपका यही पे है। और ये तो जनरली हमको सेकंड सीरीज तो कंपैरिजन टेस्ट में लेना है, जिसको बोलते हैं हम पी सीरीज। तो अगर आप 1/(n^p) देखेंगे तो ये पी सीरीज ही है, तो हमको इसको कैंसिल ही करना है। इसको कैंसिल करने मतलब क्या करना है, सेकंड सीरीज हमको वही लेना है, तो हमने सेकंड सीरीज कंसिडर की लिए वो। तो अभी कंपैरिजन टेस्ट के हिसाब से हमको क्या करना है, रेशियो निकालना है। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ un अपॉन un लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी। ये वैल्यू निकालने के लिए हमने ये और ये वैल्यू तो डायरेक्ट कैंसिल हो गई, तो आपकी ये वैल्यू बचेगी। तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/∞ 0, 1/∞ 0, 1/∞ 0, तो यहाँ से भी आपको 1 मिलेगा, यहाँ से भी आपको 1 मिलेगा, तो ये आपकी वैल्यू यही रहेंगे 3^4 4^4। और ये वैल्यू क्या है, एक फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट नंबर है। और कंपैरिजन टेस्ट क्या बोलेगी कि अगर रेशियो आपका फाइनाइट नंबर आता है तो क्या होगा, दोनों सीरीज एक तो कन्वर्जेंट रहेगी या दोनों सीरीज डाइवर्जेंट रहेगी। तो हम बोलेंगे बाय कंपैरिजन टेस्ट बोथ सीरीज कन्वर्जेस और बोथ सीरीज डाइवर्जेस टूगेदर। अभी हमारी जो इजी सीरीज है पी सीरीज वो हम देखेंगे। तो पी सीरीज हमारे पास कौन सी थी, 1/(n^p) 1/12। अभी यहाँ पे जो पी की वैल्यू है वो कितनी है, 1/12। तो पी सीरीज में क्या होता है, अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो कन्वर्जेंट, अदरवाइज डाइवर्जेंस। तो 1/12 इज लेस देन 1, देयरफॉर ये सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट। अभी vn डाइवर्जेंट है तो un भी क्या होगी, डाइवर्जेंट। सो देयरफॉर द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो ये हो गए कुछ सिंपल प्रॉब्लम। अभी सभी प्रॉब्लम लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर सभी प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिया तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और आप उसमें बोर भी हो जाएंगे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दिए है। कुछ ये प्रॉब्लम है आपके एक्सरसाइज के लिए, तो आप इसको नोट करके सॉल्व कर लेना, और मैंने उसके आंसर भी दिए आपको कि पहली सीरीज है वो डाइवर्जेंट है, दूसरी सीरीज है वो कन्वर्जेंट आएगी, वो तीसरी सीरीज आएगी ये भी डाइवर्जेंट आएगी। तो इसके आंसर आप ट्राई करके देखो, अगर आपको इसमें कुछ डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे आप पूछ सकते हैं, मैं आपका इसका आंसर आपको बता दूंगा क्या है। तो अभी के लिए हम ये भी रुकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक दूसरी केस देखेंगे और उसपे कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।